मेरा नाम आशीष कोठारी है, मैं कल्प वृक्ष पुणे से मैं काम करता हूँ और लद्दाख में हम लोगों का कई सालों से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहा है अलग अलग चीज़ों में। तो ये जो हमने स्टडी किया गोबा पे पिछले लगभग एक साल में, उसमें मुख्य मुख्य हम लोगों ने क्या पाया वो हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं। एक तो ये कि पूरे भारत भर में इस तरह की जो एक पारंपरिक या ट्रेडिशनल गवर्नेंस का जो सिस्टम था लगभग ख़त्म होने को आया है, लेकिन लद्दाख सिक्किम कुछ ऐसी जगह पे अभी भी बचा है। तो लद्दाख में हमने पाया कि गांव में अभी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सिस्टम, पंचायत आ गया है लेकिन फिर भी गोबा का सिस्टम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी फंक्शंस हैं अलग अलग, जैसे कि बुआई कब करनी है, सोइंग कब करना है, हार्वेस्टिंग कब करना है, चांगथांग में कब हर्ड्स को जो है एक जगह से दूसरे जगह जानवरों को ले जाना है, अगर दो कम्युनिटीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके बीच में झगड़ा को कैसे निपटाना है, फिर हर गांव में वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जानवरों का पॉपुलेशन है, सब का पूरा रिकॉर्ड रखना, सरकार के साथ जो रिलेशनशिप रखना है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा गोबा करते हैं, सरपंच से भी ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है, वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरह से सबको बराबर तरीके से मिले, ज़मीन के बारे में अगर कोई झगड़ा हुआ तो उसको निपटाना, तो इस प्रकार के बहुत सारे सांस्कृतिक भी बहुत फंक्शंस हैं कई, जैसे लोसर का फेस्टिवल है, दूसरे फेस्टिवल्स है, उसको गांव-गांव में जो मनाना है उसका भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गोबा पे पड़ता है, गोम्पा के साथ रिलेशनशिप जो है वो भी गोबा के थ्रू है। तो सब मिला के हमें पता चला कि गोबा का रोल अभी भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग जो हैं उसको अभी भी सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं। वो कहते हैं सरपंच है ठीक है बराबर है, विकास के कार्यक्रम आते हैं सरपंच से, लेकिन हमें गोबा में ज़्यादा फेथ है। इसका एक और कारण ये भी है कि गोबा बहुत पुराना सिस्टम है, लोगों का अपना सिस्टम है। हाँ, डोगरा रूल ने उसको मान्यता दी और इंडिपेंडेंस के बाद लंबरदार एक्ट में भी उसको रिकग्निशन मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि ये हमारा अपना सिस्टम है, पंचायत तो बाहर से आया है, गोबा का हमारा अपना सिस्टम है। और उसमें ये भी कहते हैं कि पंचायत जो है वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो पॉलिटिकल फंक्शन बन जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें आ जाती हैं, इलेक्शन होते हैं, गोबा जो है वो न्यूट्रल है, तो इसलिए भी हमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। इस सब को होते हुए भी हमें ये लगा कि गोबा का रोल का उतना रिकग्निशन, उतनी मान्यता सरकार द्वारा अभी नहीं है। लंबादारी एक्ट में जो कुछ फंक्शंस हैं वो तो हैं, लेकिन ये बाकी सारे इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गोबा रोल प्ले कर रही है वो उसकी मान्यता अभी नहीं है और कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है, सफाई नहीं है कि गोबा सरपंच, हिल काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, किसके क्या फंक्शंस हैं, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो एक्चुअली क्लैरिटी कम है। दूसरा ये भी हमने पाया कि यद्यपि पहले गोबा का रोल बहुत एक लोग चाहते थे कि मैं गोबा बनूं, अब वो थोड़ा सा बदल रहा है कि लोग कहते हैं कि नहीं अब तो हमारे लिए बहुत मतलब बोझ बन गया, क्योंकि मेरा अपना काम भी है ऊपर से गांव का काम भी करना पड़ रहा है। पहले क्या था कि गांव के लोग भी बहुत मदद करते थे कि आपको हमने लाइव स्टॉक दे दिया या आपकी भेड़ बकरी है तो हम चराने के लिए ले जाएंगे या जाओ दिया या अलग अलग प्रकार से जो है गोबा को मान्यता मतलब गांव के लोग सहायता करते थे। अब वो थोड़ा कम हो गया है और सरकार जो एक देती है 1500 रुपये पर महीने कुछ देती है, उससे कुछ खास बनता नहीं है क्योंकि उनका उतना खर्चा ही हो जाता है। एक बार भी अगर लेह में मीटिंग के लिए बुला दिया तो उतना खर्चा लगभग 500-600 रुपये हो गया। किसी ने यहाँ से सरकार ने कोई नई स्कीम डाली तो गोबा सब पूरे गांव में बताएगा जब तक फ़ोन पे, तो उसका उतना खर्चा हो जाएगा फ़ोन का। तो वो कहते हैं कि इससे हमें बनता नहीं है, इसलिए अब गोबा का रोल ज़्यादा लोग प्ले करना नहीं चाह रहे हैं। तो वो पहले जो एक 4 साल 5 साल कहीं जगह पे तो 20-30 साल के लिए गोबा रहते थे, अब एक एक साल में जो है घर घर में वो रोटेशन सिस्टम आ गया है कि हर घर को एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको देना ही करना ही पड़ेगा। तो ये सब कुल मिला के, हाँ, दूसरा ये भी हमने पाया कि जहाँ पे पारंपरिक आजीविका ट्रेडिशनल लाइवलीहुड थोड़ी कम हो गई है वहाँ पे भी कुछ गोबा का रोल कम हो गया, जैसे ले टाउन में, ले और इसके आसपास, क्योंकि ज़मीन का उतना वो नहीं रहा है, भेड़ बकरी रखने का, जानवर रखने का उतना नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा रोल कम हुआ है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एक और ट्रेडिशनल वीकनेस इसमें हमें लगा कि ज़्यादातर गोबा जो है मर्द होते हैं और बुज़ुर्ग मर्द, ओल्डर मैन, महिला बहुत कम, कुछ जैसे चुमाथांग में एक दो महिला गोबा मिली, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि उनके घर में जो मर्द थे वो लेह में थे तो इसलिए उनको बनना पड़ा। तो महिला कम और युवा लोग भी कम, तो इसमें भी कुछ फेरबदल लाने की ज़रूरत है। तो इन सबको मिला के फिर हमने एक पूरा रिकमेंडेशंस का सेट दिया है सरकार को, अभी और आगे देने जा रहे हैं। तो वो जो हमारे सुझाव हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उसके बारे में सृष्टि थोड़ा बता देंगे। ठीक है,
सभी को झूले। मैं सृष्टि वाजपेयी, मैं भी कल्पवृक्ष संस्था के साथ काम करती हूँ। तो जो कर्मालय और आशीष ले ने शेयर किया उससे हमारी कुछ की रिकमेंडेशंस हैं। पहला तो ये कि गोबा का रोल, क्योंकि लोगों के अभी भी लोग उसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए ज़रूरत है कि सरकार की तरफ से कुछ सोशल या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएं। सोशल में ये कि जिस तरीके के भी कोई फंक्शंस होते हैं सरकार ऑर्गेनाइज करती है, उनमें गोबास को रिकग्निशन दिया जाए, जैसे वेल परफॉर्मिंग गोबा हुआ या ऐसा कुछ कि अगर गोबा कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको रिकग्नाइज करें। दूसरा ये कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कई लोगों ने हमसे ये बताया था कि अगर वो पंचायत सरपंच के साथ जाते हैं तो उनके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर दिया जाता है, लेकिन गोबा के एक्सपेंसेस को रीइंबर्स नहीं किया जाता। तो एटलीस्ट जो भी सरकारी काम गोबा कर रहे हैं उनके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स किया जाए, और अगर सैलरी उनकी थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती है तो वो बढ़ाई जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि जो हमारी हिल काउंसिल की एक्ट है और जो पंचायत एक्ट है उसमें कहीं पे भी गोबा का मेंशन नहीं है। सो एक क्लियरर लाइन ऑफ सेट ऑफ रूल्स कि गोबा का क्या फंक्शंस हैं, उसके वो फंक्शंस पंचायत सरपंच हिल काउंसिल काउंसलर और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में अब कैसे फिट होते हैं। लद्दाख विजन 2030 में गोबा के स्ट्रेंथनिंग की तो बात की गई है, लेकिन अभी तक उसके प्रति कोई कदम नहीं उठाए गए। तो हमारा एक ये भी रिकमेंडेशन है कि ऐसा होना चाहिए। हमें ये भी लगता है कि गोबाओं की आवाज़ को साथ में आना भी बहुत ज़रूरी है, तो गोबा लेवल एक लद्दाख लेवल एसोसिएशन गोबा का होना ज़रूरी है जो सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त करे। वैसे इनफॉर्मली खारू में जैसे एक एसोसिएशन है और लोग मिलते भी हैं, पर इसका एक सरकार द्वारा उसका एफिलिएशन होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा हमें लगता है कि जो लद्दाख में बहुत समय से 6 शेड्यूल के बारे में और 5th शेड्यूल की जो डिमांड रही है वो गोबा के लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी रहेगा, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग और उसका रिकग्निशन, गोबा के रिकग्निशन और कस्टमरी प्रैक्टिसेस के रिकग्निशन के लिए भी ज़रूरी है। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जो गांव के लेवल पे थीम्स होते हैं, लोकल कस्टम्स होते हैं, वो समय के साथ थोड़ा हमें ऐसा लगा इवॉल्व नहीं हुए हैं, जैसे कि पर्यावरण बदलाव हो रहा है या वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, इस तरह की चीज़ों पे लोगों ने अभी अपने थीम्स को रिवाइव नहीं किया। तो ज़रूरी है कि ऑल्सो गोबा और कम्युनिटी लेवल पे, समुदाय के लेवल पे इन पे थोड़ी और चर्चा हो। और हमें लगता है कि इन सारे इंसेंटिव्स की वजह से कुछ और महिलाएँ, यंग लोग शायद गोबा बनने में इंटरेस्टेड हों, क्योंकि इसमें थोड़ा रिकग्निशन रहेगा। और लास्ट एस्पेक्ट ये है कि 2017 में सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें गोबा की एज को 60 साल के लिए कर दिया गया है। जितने भी लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा कि 60 साल की एज सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनली गोबा एक ऐसा इंसान रहा है जिसको गांव के बारे में बहुत पता होता है, तो 60 साल एक सही उम्र नहीं है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग गांव से बाहर काम कर रहे होते हैं, तो जब वो फ्री होंगे, रिटायर होंगे, तभी वो गांव में वापस जाकर गांव में पूरी तरीके से काम कर पाएंगे। तो इस वजह से वो ये 60 साल की रिकमेंडेशन से सही नहीं है। तो हमारी भी यही रिकमेंडेशन है कि इसका बदलाव हो तो करीबन 65 साल इसका उम्र की जाए। तो ये हमारी कुछ की रिकमेंडेशंस थी जो हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर साहब को और डीसी साहब को भी ब्रीफली बताए हैं। एंड वी होप कि आप मीडिया द्वारा ऑल्सो ये थोड़ा बाहर जा सके और स्पेशली गोबाओं तक पहुंच सके, तो थोड़ा उनका कलेक्टिव आवाज़ पे आ सके।